सबसे पहले एटम्स, एटम बना हुआ है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का पता कैसे लगा? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था कि हैवी पार्टिकल एटम के अंदर न्यूक्लियस, तो ये रहा न्यूक्लियस और ये अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड किए गए थे। अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे थे, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, तो ये 180 डिग्री पे वापस चला गया। पॉजिटिव पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आए, उनको स्ट्रांग रिपल्शन मिली और उनको ग्रेटर देन एंगल 90 पे जाना पड़ा। जो अल्फा पार्टिकल दूर थे उनको कम रिपल्शन मिली, पर कुछ तो मिली, तो वो लेस देन 90 पे चले गए। और कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत दूर थे जो इसकी रेंज से बाहर थे, वो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा चले गए, वो मुड़े ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम है गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। आपके CBSE बोर्ड में वो रदरफोर्ड नहीं यूज़ करता, वो गीगर मार्स्टन करता है। इंपॉर्टेंट बॉक्स में डाल देना, मतलब वो कहेगा कि इन एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय गीगर मार्स्टन, तो कन्फ्यूज ना हो जाना कि हमने तो किया ही नहीं, वो यही एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। ये 180 डिग्री आने और जाने वाले पार्टिकल बहुत कम थे, ये भी कम थे, लेकिन सीधा जाने वाले पार्टिकल बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और पार्टिकल सीधे ज़्यादा निकल जाते हैं। इसके अंदर ये जो पार्टिकल है, वन नंबर पार्टिकल, वो आता है, इसको टच नहीं कर पाता, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपस में रिपेल कर जाते हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और ये एज इट इज वापस चला जाता है। ये कितने डिस्टेंस से वापस जाता है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ट्वाइस प्रोटोन का चार्ज, 2e। मान लो अल्फा पार्टिकल वी वेलोसिटी से आया, अल्फा पार्टिकल वी वेलोसिटी से आया और आर नॉट डिस्टेंस से वापस चला गया, तो यहाँ पर चार्ज न्यूक्लियस पे क्या था? जेड ई, जेड एटॉमिक नंबर है और ई चार्ज है, तो जेड ई इसके ऊपर चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटोन्स का चार्ज है और इसके ऊपर 2e चार्ज है। जब अल्फा पार्टिकल आया उसके पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर। वो यहाँ पे रुक गया, रुक के वापस चला गया। जब वो यहाँ पे रुका तो 2e और ZE में वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू ZE डिवाइडेड बाई आर नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर नॉट एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये आर नॉट की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गया। इसमें हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये बॉक्स में डाल लें, आर नॉट का फॉर्मूला, रादर फॉर्मूला याद ना करें, ये इक्वेशन बना लें, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। वेयर इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल? और वैसे नॉर्मली जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखी थी, 5 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये याद करने की जरूरत नहीं है। PYQ के अंदर जो लोगों ने किया है उसमें एक आध न्यूमेरिकल डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आया हुआ है, आर नॉट कैलकुलेशन पे आया हुआ है, जिन्होंने किया होगा PYQ, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी आए हैं, 2-3 आए हैं, चलो 2-3 आए हैं तो बड़ी बात है। तो समझ में आ रहा है करना क्या है इसमें? इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर है ये, आपका न्यूक्लियस है, ये आपका अल्फा पार्टिकल की सेंट्रल लाइन है। तो जो न्यूक्लियस है उसकी जो सेंट्रल लाइन है उस पे जो अल्फा पार्टिकल आया, देखो वो तो बिल्कुल वापस चला गया, सीधा चला गया, वो आया और वो गया, सीधा चला गया। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर आया, यानी कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर आया, वो अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया और इसकी रिपल्शन होगी पॉजिटिव पॉजिटिव की और यहाँ पर चला गया। तो ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल यहाँ से चला गया। अब क्योंकि देखो ना, जो अल्फा पार्टिकल दूर है वो लेस देन 90 और जो पास है वो ग्रेटर देन 90 पे भी गए थे, और जो बिल्कुल लाइन पे आ गया आ रहा है उसका तो एंगल 180 था। तो जो अल्फा पार्टिकल दूर आ रहा है वो इस लाइन से कितना परपेंडिकुलर दूर आ रहा है, उसको भी बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो अल्फा पार्टिकल सेंट्रल लाइन पे हिट कर रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा है तो एंगल लेस देन 90 है, इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज़्यादा है तो यानी कि वो तो सीधा ही चला जाएगा, उसको रिपल्शन मिलने वाली है नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर की डेरिवेशन एक लंबा काम है, हम हो सकते हैं NCERT के असाइनमेंट सब्जेक्टिव के अंदर शायद करवाई भी हुई है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है।
ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसे सन के आसपास अर्थ निकल रही है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व होते हैं, पर हमने करना नहीं, इसकी डेरिवेशन आती नहीं है, इसका सिर्फ फॉर्मूला नोट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई टू बाई एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल, वेयर थीटा इज दिस एंगल, ये एंगल है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो फॉर्मूला फॉर्मूला याद करेंगे और करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है और इसके रिजल्ट्स हैं।